हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपको दीवान गारमेंट में। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है यह है कि बहुत से लोग आज YouTube पे अपना चैनल बनाने के लिए उत्सुक हैं, सोच रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से, मतलब ये समझो कि एक साल से सोच रहे हैं, दो साल सोच रहे हैं, लगातार वीडियो देख रहे हैं कि हम YouTube पे अपना चैनल बनाएं और बनाएं क्या बनाएं कि वायरल हो जाए। जो भी टॉपिक चुन रहे हैं, जो भी टॉपिक देख रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट देख रहे हैं YouTube पे देख रहे हैं, बना हुआ है। बड़े बड़े ब्लॉगर बना रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, हम क्या बनाएं, कैसे बनाएं, क्या बनाएं, ये देख के सोच के पागल हो रहे हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए ये मेरा वीडियो है, देखिए कि आप YouTube पे अपना बनाएं कैसे। ये पांच यूट्यूबरों को देखिए, ये नामी गिरामी गौरव चौधरी यूट्यूबर देखिए, इन्होंने YouTube पे अपना चैनल बनाया। और बनाया YouTube पे चैनल क्या बनाया दोस्तों, इन्होंने अपना पैशन दिखाया YouTube पे। ये जितने भी हैं, ये पांच जो दिखा रहे हैं, पांच को छोड़िए, जितने भी YouTube पे सक्सेस है बड़े यूट्यूबर, उन्होंने अपना पैशन दिखाया YouTube पे, अपना पैशन। और वही पैशन आप दिखाइए, आपके अंदर टैलेंट क्या है वो दिखाइए, तब जाके YouTube पे आप सक्सेस होंगे, लोग आपको देखेंगे। एक आग लगाओ, और आग लगाने के लिए चाहिए क्या, आपका टैलेंट चाहिए, आप दिखा क्या सकते हैं YouTube में, आप व्यूवर्स को दिखाएंगे क्या, व्यूवर्स आपके पीछे पागलों की तरह भागेंगे, ये भागेंगे कैसे दोस्तों, इसको अपना टैलेंट दिखाना होगा, अपना टैलेंट दिखाना होगा, अपना पैशन दिखाना होगा, अपनी आग दिखाओ, तब जाके YouTube पे लोग आपको देखेंगे, सब्सक्राइब बढ़ेंगे, एक दिन में, दो दिन में, चार दिन में, दस दिन में, महीनों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे। हो सकता है आप एक दिन में भी फेमस हो सकते हैं, चैनल आपका दस दिन में मोनेटाइज हो जाए, या तो एक साल भी लगे या एक साल से ज्यादा भी लगे मोनेटाइज होने में, पैसा मिलने में। तो दोस्तों, कुछ नहीं कीजिए, कुछ मत कीजिए, अपना चैनल बना लीजिए, एक बार अपना टैलेंट डालिए, देखिए, तब हो सकता है ना, तब चल सकता है ना। ऐसा तो आप सोचते रहेंगे और जिंदगी भर सोचते रहिए, कुछ नहीं कर पाएंगे। अब क्यों नहीं कर पाएंगे, उसका रीजन बस यही है कि आप देखते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन करते क्या हैं, करते कुछ नहीं है। तो दोस्तों, सोचने और करने में जमीन आसमान का अंतर है, ये तो आप भी जानते हैं। तो कुछ करने के लिए सोचने से अच्छा है कि करके देखिए, और जब करेंगे तभी देखेंगे। और फेमस होने तो फिर क्या नहीं फेमस होता, आपको फिर देख लीजिए, कुछ नहीं देखिए आप, एक रिया विजय का ब्लॉग देख लीजिए, है क्या उसके अंदर, उन्होंने किया क्या है, फेमस है आज, व्यूवर्स देख लोगे तो पागल हो जाओगे। उन लोगों का सब्सक्राइबर देखिए भाई, वीडियो डालते हैं एक घंटे के अंदर, दो घंटे के अंदर व्यूवर्स देखिए, पसीने छूट जाएंगे, जिस तरह के व्यूवर्स आते हैं। लेकिन दिखाते क्या है, अपना पैशन। और पैशन उनका क्या है, वो पेड़ के पत्ते हैं, पत्तों पे आमलेट बना रहे हैं, बीबी प्रेग्नेंट है, भाई आ रहा है, रिया का अगला बच्चा आ रहा है, व्यूवर्स आ रहे हैं, देख रहे हैं लोग, खूब भर भर के व्यूवर्स आ रहे हैं, सब्सक्राइब फुल है। और दिखा क्या रहा है, एक लड़का पीछे से आ रहा है उनके घर पर यूट्यूब बनाने के लिए, वो बोल, उसमें विजय भागा जा रहा है, ये देखो
मेरे पीछे लगा हुआ है, मेरे पीछे लगा हुआ है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। लोगों से पूछ रहा है, लोग उसका गरीबी देख रहे हैं, उसका गरीबी देख लोग कमेंट कर रहे हैं, भाई हम तुम्हारे पीछे हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। व्यूवर्स बढ़ रहे हैं, व्यूवर्स भर भर के आ रहे हैं, सब्सक्राइबर हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो उसने भी क्या किया है, फिर भी अपना वो पैशन दिखाया, अपना टैलेंट दिखाया, टैलेंट है ना उसका, वीडियो बना रहा है, अपनी एक एक चीज एक्टिविटी का बना रहा है वीडियो। या तो फिर ऐसे फेमस होंगे, और ऐसे फेमस होने के लिए उसमें भी टैलेंट तो आपको लगेगा ही, आपका जो टैलेंट है वो तो लगेगा ही, बिना टैलेंट का दोस्तों तो कुछ नहीं होगा। या तो फिर भाई वीडियो उसमें आना है तो एडिटिंग बढ़िया रखो, थंबनेल बराबर रखो, सब चीज हाई क्वालिटी डालो, हाई एक्सपीरियंस डालो, हाई थंबनेल डालो, तब जाके वीडियो सक्सेस होगी। और उसके लिए भाई जी मोबाइल वाला कैमरा नहीं चाहिए, उसके लिए चाहिए एक एक लाख का कैमरा। मनोज जी है, मनोज जी साहब का जो है कैमरा ही 1 लाख का है, तो उनका स्टूडियो की तो बात ही छोड़ दीजिए। या तो वैसा फेमस होएंगे बड़ा कुछ करके, तो उसमें तो फिर ज़रूरत ही नहीं है, उसमें तो मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं, कैसे भी फिर हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने भी जब शुरुआत अपने किया था तो एक मोबाइल से ही किया था, और मोबाइल से किया था। अभी सोचो आज कितने बड़े यूट्यूबर हैं भैया, जाओगे देखोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो इससे अच्छा है एक बात और है दोस्तों, इसमें जो है यूट्यूब में आप जो है अपना पैशन दिखाओगे तभी सक्सेस हो। ये 5 यूट्यूबर हैं, पांच यूट्यूबर को देख लीजिए आप, इन्होंने क्या किया है, खाली अपना पैशन डाला है और आग लगाई। आज इनके व्यूवर्स देखिए मिलियन में हैं, इनका कमाई देखोगे तो भाई मैं बोल ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकता। मेरे चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि दिखा रहा हूँ भी आपको मैं आगे। और एक बात और है, यूट्यूब में आ रहे हैं, यूट्यूब पे आ रहे हैं तो तोता मत बनिए, तोता बनिए बनेंगे पिंजरे में रहेंगे, घूमते रहेंगे पिंजरे में, कुछ नहीं होने वाला। वही आदमी जो तुमको खाए खिलाएगा वही तुम खाओगे, जो बोलेगा वही बोलोगे, कितना दिन। बन जाओ भेड़िया, भेड़िया अपना टैलेंट करता है, अपना शिकार करता है, अपना खाता है, देख लो। जंगल का इतना बड़ा हाथी, इतना बड़ा शेर, सब सर्कस में घूमते हैं, सर्कस मास्टर उनको नचाता है और सब नाचते हैं, क्यों नचाते हैं? तोता क्यों पिंजरे में रहता है? उसका एक ही रीजन है, ये थोड़ी बहुत, कोई थोड़ी बहुत, कोई पूरा नकल करता है, इंसान का नकल करता है। और भेड़िया, भेड़िया जंगल में क्यों है? क्योंकि वो किसी का नकल नहीं करता है, और नकल नहीं करता, सर्कस वाला आ जावे, लेके जावे भेड़िया को और उसको घुमावे, स्टूल पे बिठावे, करे शेर जैसा, हाथी जैसा, कभी नहीं कर पाए, क्योंकि वो भेड़िया है। और भेड़िया इसके लिए है, इसके लिए वो आज़ाद है कि उसके अंदर खुद का टैलेंट है। तो दोस्तों खुद का टैलेंट दिखाइए, आइए यूट्यूब पे, क्या होएगा, यूट्यूब वाला आपसे थोड़ा पैसा मांग रहा है कुछ, दिखाइए पहला, हो सकता है रातों रात स्टार बन जाए। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो रातों रात स्टार बने यूट्यूब पे। तो दोस्तों देखो कम करो ज्यादा, बस यही मूल मंत्र है। और मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं तो 3 से 4 ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए, आइए यूट्यूब पे, यूट्यूब आपको स्वागत करता है।
क्या होएगा, एक दो वीडियो बनेगी, लोग हंसेंगे, हंसने दो, वैसे भी लोगों का काम है हंसना, अड़ंगा लगाना, क्योंकि भाई तुम आगे बढ़ोगे तो लोग तो टांग खींचेंगे, हंसेंगे ही, और फिर हंसने के डर से भाई तो आप बंद नहीं कर सकते। तो भाई आइए चालू कीजिए, लोग हंसते हैं, हंसने दीजिए, लोगों का काम ही है हंसना, क्योंकि भाई अगर आदमी आप जिंदा हो तो लोग हंसेंगे, वो आपके चलने पे, आप कुछ करने पे, लोगों का काम है हंसना। और लोगों के डर के, अगर लोगों के डर से आप हंसना चलना भूल जाएंगे तो फिर मतलब ही नहीं। वैसे भी लोग जिंदा आदमियों पे हंसते हैं, मुर्दों पे रोते हैं, तो आप मुर्दा मत बनिए, जिंदा बनिए, लोग हंसिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिल रहा हूँ आपके आप। और एक बात दोस्तों बोल रहा हूँ मैं, कमेंट कीजिए कि आपको तकलीफ क्या है और इस मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा कितना मिला, कुछ पॉजिटिव बदलाव आए, वीडियो बनाने का मन किया। देखिए मेरा अगला वीडियो और कमेंट ज़रूर कीजिए, आप कुछ प्रॉब्लम है वीडियो बनाने में, यूट्यूब पे थंबनेल बनाने में कुछ तकलीफ है, बहुत सी वीडियो पड़ा है यूट्यूब पे, देख लीजिए, नहीं तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, पर्सनली आपको बताऊंगा। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।